हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में। इसमें हम साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं दैट क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये भी बताने वाला हूं। सो चलिए बात करते हैं टेस्ट के बारे में। दो तरह के टेस्ट होते हैं, नॉन ऑफिशियल टेस्ट एंड ऑफिशियल टेस्ट। सबसे पहले नॉन ऑफिशियल की बात करें। नॉन ऑफिशियल में कौन कौन से टेस्ट होंगे थे? जर्नल अपीयरेंस। जर्नल अपीयरेंस में हम देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, साइज एंड शेप, हार्डनेस, फ्रायबिलिटी। ऑफिशियल टेस्ट में देखेंगे वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसॉल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका ऑफिशियल टेस्ट होता है और कौन सा नहीं होता। सो आप ये चीज जरूर याद रखेंगे कि नॉन ऑफिशियल टेस्ट और ऑफिशियल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले हम नॉन ऑफिशियल टेस्ट में पढ़ने वाले हैं जर्नल अपीयरेंस। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। There you will get GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject-wise test series. Link is given in the description. जर्नल अपीयरेंस से आप क्या समझते हैं, कैसा टैबलेट दिखने में है, क्या उसका कलर है, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, क्या उसका ऑर्डर है, हम जर्नल अपीयरेंस में ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले चलिए डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इज विजुअल आइडेंटिटी, ओवरऑल एलिगेंस इज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, फॉर कंट्रोल ऑफ लॉट टू लॉट यूनिफॉर्मिटी एंड अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ अ टैबलेट दैट इज योर साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड सरफेस टेक्सचर। ये आपका सारी चीजें आ जाती हैं जर्नल अपीयरेंस में, ठीक है ना। अब ये बात हुई हमारी जर्नल अपीयरेंस का नॉर्मल इंट्रो। आफ्टर दैट हम साइज और शेप के बारे में बात करें। दैट मैनी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स यूज कलर एज अ वाइटल मींस ऑफ रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो टैबलेट्स कलरफुल बनाती हैं जिससे कि जो पेशेंट हैं वो रैपिड पहचानने में इजी हो और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एक अट्रैक्टिवनेस आए कलर की वजह से और वो एक्सेप्ट कर पाए पेशेंट आराम से। नाउ द कलर ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी यूनिफॉर्म विद इन अ सिंगल टैबलेट। जो कलर है प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो टैबलेट डिफेक्ट में काउंट हो जाएगा, उसको हम फिर मॉटलिंग बोलेंगे। अगर यूनिफॉर्म कलरिंग नहीं होगा यूनिफॉर्म तो मॉटलिंग बोलेंगे। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं टैबलेट डिफेक्ट्स में, यहीं पे मैंने आपको बता दिया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्राउन थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट मे बी मेजर्ड विद द माइक्रोमीटर। जो टैबलेट की क्राउन थिकनेस है, क्राउन थिकनेस जो होगी वो माइक्रोमीटर से मेजर की जाएगी एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरिएशन ऑफ टैबलेट और प्रोवाइड कराएगी वेरिएशन बिटवीन टैबलेट्स। टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन प्लस माइनस 5% वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। प्लस माइनस 5% वेरिएशन चल जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू के, उसमें टैबलेट थिकनेस की अगर बात करें तो। ये था साइज एंड शेप। नाउ बात करते हैं हार्डनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डनेस के, जो टेस्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। पर पहले हम हार्डनेस का इंट्रो देखते हैं। टैबलेट्स रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। हार्डनेस हम क्यों करते हैं, ये चीज सबसे बड़ी एक क्वेश्चन होता है। हार्डनेस हम क्यों करते हैं, हम लोग जो शिपिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो ड्यूरिंग शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जो शॉक होता है, जो हिलती हैं गाड़ियां और जो मींस एक फ्रिक्शन लगता है और जो प्रेशर होता है, उस चीज को विदस्टैंड करने के लिए, उस शॉक्स को हम इसलिए हार्डनेस करते हैं और पहले से ही उसको इतनी हार्डनेस दे देते हैं कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं कुछ अपनी फॉर्मुलेशंस लेके सो वो उस चीज को झेल पाए, ठीक है। हार्डनेस दस टर्म समटाइम टर्म्स द टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। कौन कौन से टैबलेट हार्डनेस टेस्टर्स होते हैं? पहला फाइजर, मॉन्सेंटो, एरवेका, स्ट्रॉन्ग एंड कॉब एंड स्क्लुएंजर। दीज आर दी फाइव एपरेटस और हार्डनेस टेस्टर। इसको याद कैसे रखेंगे? प्रशांत इन मेस हैविंग दी हार्डनेस टेस्टर, प्रशांत इन मेस हैविंग हार्डनेस। सो आई होप आप हार्डनेस का भी कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। नाउ इसके बाद करते हैं फ्रायबिलिटी। फ्रायबिलिटी हम क्यों करते हैं?
फ्रायबिलिटी टेस्ट जो है वो ऑफिशियल है यूएसपी में, बट नॉन ऑफिशियल है बीपी में, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया में. सो जो फ्रायबिलिटी टेस्टर है हम उसको रोशे फ्रायबिलेटर बोलते हैं. कुछ रोशे फ्रायबिलेटर ऐसा दिखता है, चलिए एक डायग्राम बना देते हैं. ठीक है, दिस इज योर रोशे फ्रायबिलेटर. सो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टैबलेट हार्डनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ. टैबलेट हार्डनेस एब्सोल्यूट इंडिकेटर कोई इंडिकेटर नहीं है स्ट्रेंथ का, सिंस सम फॉर्मुलेशन व्हेन कंप्रेस इनटू वेरी हार्ड टैबलेट्स, क्योंकि काफी टैबलेट्स काफी हार्ड बनाई जाती हैं, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है स्ट्रेंथ मेजर करने का. सो इसीलिए फ्रायबिलेटर हम फ्रायबिलिटी चेक करते हैं. प्रोसीजर देख लेते हैं. फ्रायबिलिटी में हम क्या करते हैं, प्री वेट टैबलेट सैंपल प्लेस्ड इन फ्रायबिलेटर. जो टैबलेट्स होती हैं हम उनको वे करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ऑपरेट करते हैं 100 रिवॉल्यूशन 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोशे फ्रायबिलेटर. इसका मतलब ये है कि जो ये व्हील है इसके अंदर हम टैबलेट प्लेस करते हैं, जो ये व्हील है ये 25 आरपीएम रन पर मिनट मींस 25 जो होगा 25 राउंड लेगा 1 मिनट में. सो 4 मिनट्स में कितने लेगा, 100 राउंड इन 4 मिनट्स. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 6 टैबलेट्स यूज करते हैं हम इसमें, 6 इंच जो ये टैबलेट है वो 6 इंच से नीचे गिराते हैं इसमें. सो मैक्सिमम जो होता है वेरिएशन वो नॉट मोर देन 1% नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेरिएशन कितना अलाउ है फ्रायबिलिटी में. ठीक है, तो ये आई होप आपको फ्रायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. नाउ मूविंग ऑन दी वेट वेरिएशन. वेट वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. चलिए हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं. सबसे पहले क्यों करते हैं हम वेट वेरिएशन, कि हम इसलिए करते हैं वेट वेरिएशन कि हम उस चीज जो टैबलेट हम बनाते हैं हम उस चीज से इंश्योर करते हैं कि जो टैबलेट के अंदर मटेरियल डाला गया है वो प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं है. और कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए अपने अपने वेट वेरिएशन के रिगार्ड्स में, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, रूल के बारे में बात करने वाले हैं और प्रोसीजर देखने वाले हैं. प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स लैब में भी परफॉर्म करते हैं, पर हम यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं. सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. द वेट ऑफ द टैबलेट बीइंग मेड इज रूटीनली मेजर्ड टू हेल्प एंश्योर दैट द टैबलेट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ ड्रग. जो टैबलेट बनाते हैं उसको हम वेट वेरिएशन के अंडर प्रोसेस में लेते हैं चेक करने के लिए कि जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ड्रग का है कि नहीं. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 20 टैबलेट लेते हैं, रैंडमली उठाते हैं, डिटरमाइन द एवरेज वेट. ये पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज वेट प्रोसीजर में. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए, ये आगे भी बताने वाला हूं, दैट नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेट डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन परसेंटेज डेविएशन शोन इन टिप. 2 टैबलेट से ज्यादा डेविएशन नहीं दिखानी चाहिए उनके इंडिविजुअल वेट के अकॉर्डिंग. ये चीज मैं आपको मैं मेनली पूरा क्लियर करके बताने वाला हूं. तो कुछ लिमिट्स हैं अकॉर्डिंग टू आईपी और यूएसपी. सो सबसे पहले आईपी की बात करेंगे. दिस इज द परसेंटेज वेट वेरिएशन मैक्सिमम अलाउ. जो मैक्सिमम वेरिएशन अलाउ है, if your tablet is less than 85 mg then percentage variation is your 10% allow rahega. 85 to 250 mg that is your plus minus 7.5%, greater than 250 is plus minus 5%. bahut important hone wala hai, ye question pucha ja sakta hai aapke GPAT or NIPER government pharmacist or drug inspector ke exam mein. ye variations ye standard values puch li jati hain kabhi kabhi. USP ki baat kare, यूएसपी में कुछ अमाउंट्स का अलग डिफर है. दैट वेइंग 130 mg और लेस 130 और उससे कम
10% वेरिएशन अलाउ है, वेइंग 130 to 324, दैट इज 130 to 324 mg, 7.5% अलाउ है, और जो 324 से ज्यादा होगा या तो 324 होगा उसके अंडर में 5% अलाउ रहेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जस्ट रिपीटिंग अगेन अगेन, आप इस वैल्यूज को याद रखेंगे। नाउ प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले ही बताया मैंने आपको, 20 टैबलेट्स वे करनी है रेंडमली, हमने आपको टेबल भी बना के दिखाया है दैट दीज आर दी 20 टैबलेट्स। T1 से हमने स्टार्ट किया है टैबलेट 1 और T20 दैट इज योर 20 टैबलेट्स। ओके, सो जो हमने 20 टैबलेट्स ली हैं हमने उनका वेट किया पहले, आफ्टर दैट जब हमने इनका टोटल वेट कर लिया, सबको प्लस कर लिया, तो हमारा 5918 वेट आया। सो अब हमको एवरेज वेट निकालना है। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? टोटल वेट डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 टैबलेट लिया हमने, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, दैट इज योर 295.9। अगर हम आईपी के अकॉर्डिंग बात करें, चलिए रूल्स देख लेते हैं, अभी हम पहले भी देखे थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रूल्स, दैट आईपी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इस कैटेगरी में आता है, दैट इज ग्रेटर देन 250 mg। सो कितना वेरिएशन अलाउ होगा? प्लस माइनस 5%। सो अब वेट वेरिएशन रेंज निकालना है हमें, वेट वेरिएशन रेंज निकालेंगे हम, वेट वेरिएशन रेंज कैसे निकालेंगे? जो हमारा एवरेज वेट होगा, दिस इज योर एवरेज वेट, होगा 295.9 इंटू 5/100। तो हमारा क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, दैट इज योर 14.79 इज द वेट वेरिएशन रेंज। वेट वेरिएशन रेंज हमारा हुआ 14.79। सो अब कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं, लिमिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिट होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट को देखते हैं, अपर लिमिट में क्या बोला गया है? अपर लिमिट में हमें एवरेज वेट लेना है प्लस एवरेज वेट अगेन इनटू परसेंटेज वेरिएशन, जो कि ये हमें इसमें से ये वाला हमारा यहां पे ये आएगा, ठीक है। सो अब एवरेज वेट हमने देख लिया था 295.9 प्लस जो एवरेज वेट है 14.79, तो हमारा क्या आया 310। और फिर एक लोअर लिमिट हमें निकालनी होगी, लोअर लिमिट, में भी एवरेज वेट बस हमें माइनस करना होगा 14.79, तो हमारा क्या आएगा 281। अब ये वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, याद रखिएगा। अब हमें देखना है, अगर मैं आपको पहला एक रूल बताऊं, मैंने आपको पहला एक रूल बताया था दैट नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स ऑफ इंडिविजुअल वेट डेविएट, मतलब 2 टैबलेट से ज्यादा इंडिविजुअल वेट्स उसके इंडिविजुअल वेट से डेविएट नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब जो ये 310 है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और 281 से कम नहीं होना चाहिए। 2 टैबलेट तक चल जाता है, पर 2 टैबलेट देखते हैं, चलिए 310 अपर लिमिट देख लेते हैं, कहीं पे 310 से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है, कहीं पे 281 से कम नहीं है, नहीं है। सो इसका मतलब आपका ये टेस्ट पास होता है। अगर 2 टैबलेट से ज्यादा डेविएशन दिखाता तो ये टैबलेट ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता। सो ये था हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट। आई होप आपको ये चीज सारी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समझ में आ गया है।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, दैट इज योर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पोटेंसी चेक करते हैं, पोटेंसी डिटरमाइन करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की, और अमाउंट डिटरमाइन करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट का अमाउंट। सो सबसे पहले हमें पोटेंसी समझने की जरूरत है, पोटेंसी क्या होता है। पोटेंसी इज जस्ट नथिंग, इज योर अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रेस्पॉन्स। मीन्स अगर मैं फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उतना ड्रग जितना आपका रेस्पॉन्स देता है उतना अमाउंट, उसको हम पोटेंसी बोलते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको अगर मैं देता हूं, एनाल्जेसिक डोज ऑफ मॉर्फिन, एनाल्जेसिक डोज ऑफ मॉर्फिन इज 10 mg, याद रखिए। और पैथिडिन की बात करूं यहीं पे मैं, इज 100 mg। तो यहां पे हमने अमाउंट नहीं देखना है, हमें पोटेंसी देखनी है। सो पोटेंट कौन सा हुआ, 10 mg, 10 mg इज मोर, 10 mg मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन पैथिडिन, ठीक है। नाउ चलिए डेफिनेशन से देख लेते हैं। द पोटेंसी ऑफ टैबलेट is expressed in terms of grams, milligrams or microgram of drug per tablet and given as a label strength of the tablet. Second point क्या बोल रहा है, determine करता है amount of active ingredient by the method of the assay. Official compendia or other standards, the official compendia means your IP, national formulary, इनके according or other standards के according provide an acceptable potency range around the label potency. एक range बता देते हैं, जैसे example में बता देता हूँ, for highly potent, जो highly potent drugs हैं, जैसे कि मैं बात करूँ digitoxin की, so हम उसकी low dose use करेंगे. Highly potent drug, याद रखिएगा, confuse नहीं होना, highly potent drug जो होगी हम उसकी low dose use करेंगे, such as digitoxin, this range usually not less than 90% or not more than 110%, ये 8% मेंशन किया गया है ऑफिशियल कंपेंडियाज में। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नाउ बात करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हम करते कैसे हैं, प्रोसीजर की बात करें। सबसे पहले हमें 30 टैबलेट्स रैंडमली वे करना है, लेना है। आफ्टर दैट 10 टैबलेट्स हमें निकालना है, 10 टैबलेट में से जो हमारी 9 टैबलेट्स हैं, दे नोट they must contain not less than 85% and not more than 115, that is 115% of the labeled drug content. 85% से कम नहीं contain करना चाहिए, रहना चाहिए, और 115% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, no tablet में। अगर एक tablet, अब हमने नो टैबलेट का देख लिया, एक टैबलेट का एक्सेप्शन हो जाता है, अगर एक टैबलेट में कोई डिफेक्ट है, नॉट लेस देन 75%, 75% से जो 10th टैबलेट होगी हमारी उसमें 75% से कम नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 125% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेबल्ड ड्रग कंटेंट, याद रखिएगा। सो अब हमने 10 टैबलेट्स देख लिया, बाकी हमने 20 टैबलेट्स का क्या करना है, 20 टैबलेट्स का अगर 10 टैबलेट्स का ये फेल हो जाता है तो हमें 20 टैबलेट्स का फर्दर करना है, दैट नन मे फॉल आउटसाइड द 85% टू 150 रेंज, कोई भी इन रेंजेस से आउटसाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है तो हम ये 20 टैबलेट्स को फिर से इसको प्रोसीजर में लाएंगे, इसकी ये परसेंटेज वेरिएशंस दी गई हैं कि इनसे बाहर नहीं होना चाहिए। ये था हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। आई होप आपके कंटेंट इन्फॉर्मेटिव समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन दी डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते क्या है, डिसइंटीग्रेशन मींस किसी टैबलेट को उसको पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट, मींस ब्रॉक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जब हम टैबलेट इंजेस्ट करते हैं और ओरली लेते हैं, तो हम टैबलेट लेते हैं तो हमारे जो गैस्ट्रिक एनवायरमेंट में जाती है, सो क्या होती है, टैबलेट HCl के कॉन्टेक्ट में, गैस्ट्रिक फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आके डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। सो इसीलिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी करते हैं। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 6 टेस्ट ट्यूब होती हैं,
क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपका मैच साइज स्क्रीन कितना होता है, क्या हम यूज करते हैं पूछा जा सकता है, मैं बताने वाला हूँ। 6 टेस्ट ट्यूब होती हैं, 3 इंच लॉन्ग होता है, ऐसे होता है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये 6 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, दीज आर दी 6 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जो मैश साइज होगा वो 10 होगा, याद रखिएगा मैश साइज 10 होगा, और 3 जो इनकी हाइट होगी 3 इंच लॉन्ग होगा। 1 लीटर के बीकर में जो ये पूरा ये होता है, इसको अटैच होता है डिसइंटीग्रेटर एपरेटस से। यहां पे आपका ये मोटर है, ठीक है। सो ये अटैच है यहां पे। सो ये 1 लीटर का बीकर है, इसमें हम 0.1 नॉर्मल SCL यूज करते हैं, SCL 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल यूज करते हैं। क्यों करते हैं, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में हमारा 0.1 नॉर्मल SCL ही होता है, इसलिए हम सेम उसको एवेल्युएट करने के लिए ये फ्लूड लेते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। अप एंड डाउन फ्रॉम 5 to 6 इंच, जो ये है ये अप जाता है और फिर डाउन हो जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखाने के लिए इसको अप एंड डाउन करते हैं, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है गैस्ट्रिक फ्लूड के उसमें कॉन्टेक्ट में। फ्रीक्वेंसी 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट, मतलब 28 से 32 बार ऊपर नीचे जाता है एक मिनट के अंदर अंदर, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अनकोटेड यूएसपी टैबलेट दैट इज एस्पिरिन एज लो एज 5 मिनट, जो डिसइंटीग्रेटेड जो अनकोटेड यूएसपी टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 5 मिनट है। मेजोरिटी ऑफ टैबलेट देयर डिसइंटीग्रेशन टाइम इज 30 मिनट, जो मेजोरिटी जो ज्यादा से ज्यादा टैबलेट होती है, मेजोरिटी जो होती है टैबलेट्स की, वो उसका टाइम 30 मिनट्स होता है, याद रखिएगा। एंट्री कोटेड टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट की अगर बात करें, एंट्री कोटेड टैबलेट में मैंने आपको बताया था कोटिंग में बात की थी मैंने, उस पर एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर का कोट कर दिया जाता है जिससे कि वो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है इंटेस्टाइन में। तो वो टाइम डिले हो जाता है, कितना हो जाता है 2 आवर्स प्लस टाइम स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ, मतलब 2 घंटे से ज्यादा मेनली उसका टाइम हो जाता है एंट्री कोटेड टैबलेट का, तो याद रखिएगा। चलिए कुछ टाइम्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम डिसइंटीग्रेशन टाइम। सबसे पहले अनकोटेड टैबलेट पूछा जा सकता है 15 मिनट्स, फिल्म एंड शुगर कोटेड टैबलेट का 60 मिनट बताया गया है, एंट्री कोटेड टैबलेट का 3 घंटे, मींस एंट्री कोटेड टैबलेट पे पॉलीमर की वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम भी ज्यादा होगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 30 मिनट्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज योर 60 मिनट्स, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप इसको याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर डिसोल्यूशन, अब डिसोल्यूशन क्यों करते हैं और क्या होता है डिसोल्यूशन, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है और उसको क्यों करते हैं, वो भी समझने वाले हैं। डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है बाय विच सॉलिड एंटर्स इनटू अ सॉल्यूशन, सॉलिड एंटर्स इनटू अ सॉल्यूशन, डिसॉल्व होना। अगर फार्मास्यूटिकल टर्म में बात करें, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस दैट गोज इनटू सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, टाइम को देखकर अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट कंपोजिशन। ये था फार्मास्यूटिकल टर्म के हिसाब से, अगर मैंने डिसोल्यूशन डिफाइन करना है तो ये उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है। नाउ बात करें क्यों करते हैं हम डिसोल्यूशन, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मोस्ट डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ ड्रग्स रिलीज फ्रॉम वेरियस टैबलेट फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट्स इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इन विवो बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट। इन विवो को समझ लेते हैं सबसे पहले, इन विवो इज जस्ट व्हेन यू विल डू योर मेडिकल एक्सपेरिमेंट और अ टेस्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग और लेबोरेटरी एनिमल, कोई टेस्ट आप कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग पे और लेबोरेटरी एनिमल्स पे, सो वो इन विवो की कैटेगरी में आएगा। इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो जो हम लेबोरेटरी में नॉर्मली
टेस्ट ट्यूब और हमारे जो अपरेटस होते हैं उसकी हेल्प से हम इन विट्रो करते हैं, वो इन विट्रो में आता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि क्यों करते हैं डिसोल्यूशन, दैट इन विवो जो स्टडीज होती हैं वो बहुत टिपिकल होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंटरप्रेटेट करने में, एक हाईली स्किल्ड मैनुअल टेक्निकल टीम चाहिए उस चीज़ को वो करने में, और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, एंड यूज़ ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स भी इसमें ज़्यादा हो जाता है और डेंजर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम डिसोल्यूशन को प्रेफर करते हैं। डिसोल्यूशन मेनली आपका वहाँ पे एक टैकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है इन वीवो के कंपैरिजन में, और स्टडी में हेल्प करता है आपके डायरेक्ट असेसमेंट में। ड्रग रिलीज देखते हैं मेनली हम उसकी हेल्प से। नाउ बात करेंगे कुछ डिसोल्यूशन अपरेटस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आता है क्वेश्चन यहाँ से, पूछा जाएगा टाइप वन कौन सा होता है, तो आपको बताना है बास्केट अपरेटस, कितनी रोटेटिंग स्पीड और किस चीज़ के लिए यूज होता है, कन्वेंशनल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट। टाइप टू की बात करें, पैडल अपरेटस होता है, स्पीड 25 to 50 आरपीएम, ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट के लिए होता है, च्यूएबल टैबलेट के लिए, कंट्रोल रिलीज के लिए होता है, और सस्पेंशन के लिए। टाइप थ्री ऐसे ही बात करें, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर 6 to 35 आरपीएम होता है, कंट्रोल रिलीज और च्यूएबल टैबलेट के लिए होता है। टाइप फोर बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लो थ्रू सेल, स्पीड मेंशन नहीं किया गया है, एक्सटेंडेड रिलीज के लिए किया गया है, पुअरली सॉल्युबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए यूज करते हैं, पाउडर ग्रेन्यूल्स माइक्रोपार्टिकल और इम्प्लांट्स डिवाइसेस के लिए इसको हम यूज करते हैं मेनली। फाइव कौन सा है, पैडल ओवर डिस्क 25 to 50 आरपीएम, ट्रांसडर्मल के लिए यूज होता है, ट्रांसडर्मल जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, पूछ लिया जाता है कि ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशंस के लिए कौन कौन से अपरेटस यूज किए जाते हैं, टाइप सिक्स और टाइप फाइव यूज करे जाते हैं, और टाइप सेवन इज योर रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, स्पीड 30 आरपीएम, कंट्रोल रिलीज के लिए किया जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, सो स्टार डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नाउ बात करें एक हमें दो अपरेटस के बारे में बात करना है, अपरेटस वन इज योर बास्केट टाइप, इसमें क्या करते हैं, अ सिंगल टैबलेट इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल वायर मेश बास्केट, दिस इज योर द मेश बास्केट, इसीलिए बास्केट टाइप बोला गया है इसको, इसमें हम टैबलेट प्लेस करेंगे, ये बास्केट टाइप है, एंड अटैच टू द बॉटम ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड टू द वेरिएबल स्पीड मोटर, ये जो शाफ्ट है ये आपका एक मोटर से कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे मोटर एक कनेक्ट होगा, सो ये उसको रोटेट कराएगा, जिससे कि रोटेट कराएगा, तो फिर ये जो इसमें एक सॉल्यूशन रहता है जो हमारा जिस भी सॉल्यूशन में हमें रिलीज कराना है फेवरेबल कंडीशन में, और टेम्परेचर देखना है 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हम वेरी कर सकते हैं, 1000 ml का फ्लास्क होता है ये, हमें 1000 ml का, दिस इज योर 1000 ml फ्लास्क याद रखिएगा, और इसमें एक पर्टिकुलर डिसोल्यूशन मीडियम हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सूटेबिलिटी, और क्या करते हैं फिर हम जो हम ड्रग रिलीज देखते हैं पर्टिकुलर, जैसे 30 मिनट 45 मिनट पर्टिकुलर हम विड्रॉ करेंगे सैंपल और हम उसकी एब्जॉर्बेंस लेंगे टू डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन। ये था हमारा अपरेटस वन। अपरेटस टू भी इंपॉर्टेंट है, अपरेटस टू के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अपरेटस टू को हमने पैडल टाइप बोला गया है, पैडल टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि हम पैडल यूज करते हैं इसमें, जो ये पैडल है आपका डायरेक्टली शाफ्ट से कनेक्ट रहेगा याद रखिएगा, और 1000 ml का बीकर सेम रहेगा, सो बाकी सारी चीजें सेम है, बस पैडल यूज करते हैं हम इसमें। सो स्टूडेंट्स आई होप आपकी ये चीजें समझ में आई है और इवेल्यूएशन अब आपके लिए क्लियर हो गया रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So stay connected with us, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon so you will never miss an update on our upcoming videos. Thanks for watching.